रेणु देवी खबर देख करके मीडिया के सामने आई पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ। जी हां, बताते चले पिछले दिनों हसन चौक के समीप रेणु देवी के 3 दुकान का ताला तोड़ के लूटपाट का जबरन दुकान में कब्जा करने का मामला आया है प्रकाश में। बताते चले आज पत्रकारों के सामने दरभंगा जिला नगर थाना अंतर्गत हसन चौक के समीप पिछले दिनों लूटपाट की घटना सामने आया था, जिस पर रेणु देवी आज मीडिया के सामने आई और उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जय माँ दुर्गा फ्लेक्स वाला भवन में उत्तर वाला 3 दुकान उनका है जो आई सेट में है, जिसमें जय माँ दुर्गा फ्लेक्स के प्रोपराइटर पिछले दिनों पुलिस के सामने ताला तोड़ के दुकान पर जबरन कब्जा कर लिया, ऐसा उनका कहना है। हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए रेणु देवी ने कहा कि वर्ष 2005 में मुझे तत्कालीन दरभंगा सदर SDO द्वारा नगर थाना के माध्यम से 3 दुकान को मेरे दखल में करवाया गया था। उसके बाद से वो सामने वाली दुकान में मेडिकल शॉप और पिछले 2 दुकान को किराए पर लगाए थे, जिसके उनके पास सारे किराएदार का नामा है। उनकी पति की मृत्यु के बाद वो दुकान बंद करके अपने घरेलू जिंदगी में व्यस्त हो गई थी। इसी क्रम में 21 जनवरी को घटना सामने आई, जो 20 तारीख को देखी। 21 तारीख को उन्होंने देखा कि सब जगह चल रहा है। उसके बाद उन्होंने आज मीडिया को बुलाया, जिसमें जय माँ दुर्गा फ्लैक्स के प्रोपराइटर बैजनाथ प्रसाद महतो अपने ही दुकान का कुछ सामान को बाहर में बिखर कर हंगामा कर रहे हैं, जिस पर रेणु देवी जब वहां पहुंची तो उनके साथ ही वसूली की गई थी। तो रेणु देवी वहां से वापस लौट गई और मीडिया के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली कि जय माँ दुर्गा फ्लैक्स के प्रोपराइटर पुलिस की मौजूदगी में रेणु देवी के दुकान का ताला तोड़कर पहले लूटा और फिर दुकान पर कब्जा कर लिया। रेणु देवी ने यह भी कहा कि बैजनाथ प्रसाद महतो पंचनामा को दिखाकर यह दावा कर रहे हैं कि वह 3 दुकान उनकी है। वास्तविकता यह है कि पंचनामा से जमीन बिक्री नहीं होती है और हाई कोर्ट का आदेश इस संबंध में आया हुआ है। उसके बाद भी बैजनाथ प्रसाद जबरन कब्जा कर रहे हैं और कुछ लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया, जो कि सरासर गलत है। यदि पुलिस प्रशासन हाई कोर्ट के आलोक में रेणु देवी का दखल कब्जा नहीं करती है तो वो दरभंगा के सभी वरीय अधिकारियों से मिलेंगे और पटना हाई कोर्ट की अवहेलना का मामला उठाएंगे। वहीं रेणु देवी ने यह भी कहा कि जितने अधिकारी हैं दरभंगा में, जिला अधिकारी, वरीय पुलिस अधिकारी, सबसे मिलेंगे। यहाँ तक कि उनका यह भी कहना है कि वो प्रशासन के सामने सारा पेपर रखने को तैयार है। अगर उनकी कोई गलती होती तो पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर उनके पास कैसे मिला। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि उस दुकान पे मुझे कितना टॉर्चर किया गया है, आसपास के इलाके के लोग जानते हैं कितनी परेशानी हुई है। मेरे पति इसी परेशानी की वजह से ब्रेन हैमरेज से उनकी मौत हो गई। उसके बाद वो कुछ परेशान होकर अपनी घरेलू जिंदगी में चली गई। उनका और क्या कहना था, मीडिया के सामने आज इतने दिनों के बाद उन्होंने अपने दुकान की सारी हकीकत रखी। सच क्या है ये तो दरभंगा पुलिस प्रशासन ही जांच पड़ताल में पता चलेगा, लेकिन रेणु देवी ने आज मीडिया के सामने आकर के क्या कहा है, कितना बड़ा खुलासा किया है, इसे जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और जो जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कमेंट जरूर करें ताकि प्रशासन को भी जांच पड़ताल में सहायता मिल सके, क्योंकि आपकी कमेंट बहुत ज़रूरी है इस खबर पे कि आखिर उस दुकान में हुआ क्या था, कौन था असली मालिक, किसका जमीन था, किसने किसको बेचा और किसने किससे खरीदा, सच्चाई तभी सामने आई है। क्या बात है, क्या मामला है उस जमीन को लेके, क्या हुआ? हसन चौक पर हमारी दवा की ड्रग कॉर्नर नाम की दुकान बहुत लंबे समय से चल रही है, यदि आप लोग जानते होंगे जानकारी सारी होगी। हमारी चीज़ को वो दबंगता से अपने कब्जे में यदि लिया है तो ये तो अच्छी बात नहीं ना है। कौन लिया? बैजनाथ महतो, जबकि हम वहाँ 95-96 2 रजिस्ट्री के माध्यम से हम 4 धुर और 28 धुर की ज़मीन खरीदे। वहाँ पर हमारे पति जो ड्रग कॉर्नर नाम की दुकान चला रहे थे, अब पीछे और बगल की दुकान 3 दुकान वहाँ हैं जहाँ हम रह रहे थे, जिसमें पीछे और बगल वाली दुकान को हमने किराए पर दिया था, जिसका कि किरायनामा वगैरह सब कुछ है मेरे पास। और वो ज़मीन आगे वाले ऐप में हम ड्रग कॉर्नर नाम से दुकान चला रहे थे, बराबर वो हमको टॉर्चर करता रहा, वो हथियाने हड़पने की कोशिश करता रहा। और इस दौरान जो है जब हम लोग रात में दुकान बंद करके चले आए, उसने हमारी दुकान को लूट लिया। कब की बात है ये? हमारा मामला 2002 से फंसता चला आ रहा है। लूटा था कौन? बैजनाथ महतो, कैलाश महतो, सूरज महतो, जो कि अब नहीं रहे, उनके भतीजा लोग और वहाँ के स्थानीय लोगों को मिला करके उसने ऐसा काम किया था। खबर आई, हम लोग सुबह में गए, पुलिस प्रशासन वगैरह सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, जो प्रक्रिया आप लोग भी जानते हैं कि ऐसे में क्या होता है। ऑन द स्पॉट वो हमेशा भागा रहता है। 2 बार उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने 3 बार किया, लेकिन 2 बार हमको मजिस्ट्रेट नियुक्ति के दौरान के मार्फत से हमको दुकान मिला, हमारी जमीन पर कब्जा मिला, लेकिन फिर भी उसने हमको हमेशा टॉर्चर किया। लास्ट में फिर हमारे पति भी इन सब बातों से जो है हरासमेंट में, डिप्रेशन में आकर
ब्रेन हेमरेज की वजह से वो भी नहीं रहे, हम अकेले पड़ गए। उस दौरान हम वहाँ घर अकेले पड़ जाने की वजह से मेरा बेटा भी कोई बड़ा नहीं था उस समय, हम वहाँ से हट गए थे। और अभी पता चला उस दिन 21 तारीख को कि उसने फिर वैसा ही वारदात किया है, सारा सामान जो है अपना सामान तो उसने फेंका ही, फेंक कर माहौल बनाया। और उसके बाद पुलिस वगैरह प्रशासन वगैरह को बुला करके उसके सामने मेरी दुकान का ताला तोड़ दिया और बोला कि मेरी दुकान लूट ली गई है, जबकि हमारी दुकान को लूट लिया। उसके बाद तो हम फिर घर बहुत प्रॉब्लम में महसूस करते हुए, हम तो बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, बीपी वगैरह का प्रॉब्लम हो गया हमको, लोग ने हमको वहाँ से हटा दिया। हम घर आए फिर पता चला हमको प्रशासन, ये आप लोग के मार्फत से ही, कि प्रशासन के मौजूद रहते हुए उसने मेरी दुकान का ताला तोड़ दिया और सारा सामान फेंक दिया। अब आप लोग खुद बताइए कि यदि हमारी ज़मीन है तो उस पर कैसे वो काबिज हो सकता है, हमारे पास सारा कोर्ट का ऑर्डर है, उच्चतम न्यायालय का ऑर्डर है। आप जमीन की बात कर रहे हैं, आपने जमीन कब खरीदी थी? हमने 2 किराला के मार्फत से 95-96 में जमीन खरीदी। किससे खरीदी थी? हमने खरीदा था शीला देवी से। शीला देवी अग्रवाल से। क्या उसी के नाम से जमीन है? हाँ, जमीन उन्हीं के नाम से, आप लोग पेपर देख सकते हैं। हाई कोर्ट ने आपको वो कैसे अलाउड करवाया दुकान वगैरह? मजिस्ट्रेट नियुक्ति करके, ये देखिए ऑर्डर की कॉपी वगैरह भी आप देख सकते हैं, हमारा टाइटल शूट भी हमारा है, उसका खारिज हो गया। यदि उसका खारिज हो गया तो टाइटल मेरा ही बनता है ना, टाइटल शूट भी मेरा है। कितने दुकान हाई कोर्ट ने आपको दिलवाया था? 3 दुकान दिलवाया था। हमारे 4 दुकान की है, हमने उस पर ही कब्जा अपना मांगा था। किनके द्वारा? मजिस्ट्रेट नियुक्ति करके। पूरी जमीन आप ही की? नहीं, पूरी जमीन नहीं है, 4 दुकान 48 दुकान की है। वो जमीन यू शेप है, एल उसके पास है, आई मेरे पास है, 4 दुकान 48 दुकान का मालिक है, उतना ही हमको मिला। अब क्यों अलग से लेने का मतलब, जिस तरफ आपका दुकान था उसी साइड आपकी जमीन खरीदी हुई है? हाँ, जिसमें पीछे की जमीन है। हाँ, पीछे की जमीन और उधर की जमीन वो मेरी नहीं है, मेरी जमीन 3 दुकान है, एक ड्रॉप कॉर्नर थी, पीछे हमने किराएदार दिया था, बगल में किराएदार था, बस वही इतना ही। हाँ, 3 दुकान है मेरी। अब आपके साथ ये घटना घटी है, क्या करेंगे इस पर? यदि आप लोग के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से हमको न्याय मिलता है तो सुलभ बात है, जो कि एक नागरिक का अधिकार भी होता है। और यदि नहीं होगा तो फिर हमको पुराने समय की तरह फिर आगे की कार्रवाई होगा, फिर न्यायालय उच्च न्यायालय वगैरह का शरण लेना पड़ेगा। क्या तो इस संबंध में जिलाधिकारी या किसी पदाधिकारी से मिलने जाएंगे आप? जरूरत होगा, हम अपनी चीज बचाने के लिए जहाँ जरूरत होगी वहाँ हमको जाना ही पड़ेगा। वो तो उस जमीन पर मकान बना रहे हैं। हाँ, तो क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, हमारी जमीन है, कैसे वो बना रहे हैं? अपनी आपत्ति क्यों नहीं की? आपत्ति के दौरान ही नहीं सब हादसा हुआ। उनके पास पंचनामा है जमीन का, आप बता रहे हैं कि वो खरीदे हैं जमीन आपसे? पंचनामा वैलिड है? पंचनामा शहर में चलता है, आप लोग बताइए। अब पंचनामा बनाने का वजह एक बताइए, जब यदि आपकी गर्दन फंसी हो तो आप पहले अपनी गर्दन बचाएंगे या प्रॉपर्टी बचाएंगे, आप लोग खुद बताइए। पंचनामा कैसे बना? पंचनामा आप कुछ भी कर सकते हैं, झूठा आप बना सकते हैं। उस पंचनामा पर आपका साइन है या नहीं? आजकल तो दुनिया में फर्जी सब काम होता है, फर्जी काम का कोई वो है? आखिर वो कैसे, मेरी जब जमीन है तो वो कैसे लिया? आखिर तो फर्जी करके ही ना लिया है, कोर्ट से नहीं लिया है, खरीद कर नहीं लिया है, तो कैसे लिया? ये तो आप उससे पूछ सकते हैं ना कि वो जमीन उसके पास आई कैसे, किससे खरीदा? क्या नाम हुआ आपका? रेणु देवी। पति का नाम? स्वर्गीय डॉक्टर प्रमोद कुमार।